बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। आज की वीडियो में भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि एक अब तक कई मेरे फार्म पे जितने भी जानवर हैं ना, उनमें सबसे बड़ा जानवर आज एक न्यू एंट्री होने वाली है, वो आने वाला है। तो वो आप लोगों ने देखना है, उसके नेम सजेशंस भी आप लोगों ने देने हैं। वो बाकी आप आगे क्लिप ही देखिएगा जब वो अनलोड हो रहा होगा। सारी चीज़ें छुपाऊँगा नहीं, आते ही रिवील कर दूँगा बछड़ा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि आज थोड़ा सा और रेंडमाइज़ करने के लिए कंटेंट को मैं अंदर खाते में जाके कुछ जानवरों की वीडियो बनाऊंगा, और एक बछड़ी की मैं सिर्फ आपको आज की वीडियो में एक कमर दिखाऊंगा, और वो आपने फिर कमर देख के, पलाई देख के तुक्का लगाना है कि भाई इस बछड़ी का क्या नाम है, ये कौन सी वाली बछड़ी है। फिर इंशाल्लाह आगे जाके वो बछड़ी भी रिवील कर देंगे कुछ टाइम में, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा, वो जो बछड़ा आ रहा है, नया बछड़ा आ रहा है, उसका आप लोगों ने जो है ना वो नेम सजेशन देना है। बाकी चीज़ें बातें करते हैं बाद में। तो वीडियो इंशाल्लाह मज़ेदार होने वाली है, वीडियो एंड तक देखिएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर, कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, नईम भाई आ गए हैं बछड़ा लेकर के। तो बछड़ा माशाल्लाह फुल हैवी ड्यूटी है, लाटसन में पूरा नहीं आ रहा है। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई, क्या ही बात है। ये तो रिवर्स में लग रहा है उतरेगा। नहीं भाई, घूम है ना, ये घूमेगा तो नहीं, रिवर्स ही उतारना पड़ेगा इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, AQ कैटल फार्म के जायगेंटिक बड़े बछड़ों में से एक बछड़ा इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ये हो भी सकता है कि सबसे बड़ा ही बछड़ा ये हो अभी। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रिवर्स गियर में उतारना पड़ेगा इसको। ओए होए होए, अल्लाह पाक नज़रे बच से बचाए भाई, माशाल्लाह। तो शौकीनों, इस बछड़े के लिए मैंने तो काफ़ी सारे नाम सोच रखे हैं। एक नया नाम मैंने सोचा है, ना तो मैंने आज तक किसी फार्म पे रखा, ना वैसे मार्केट में मैंने देखा है कि किसी ने रखा हो अभी तक। माशाल्लाह, ओए होए होए होए। तो पहले लेकिन आप लोगों से सजेशंस लूँगा, तो आप लोगों ने अगर कोई अच्छा नया नाम सजेस्ट किया तो उसको प्रेफर पहले करेंगे, नहीं तो फिर जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, जो मैंने सोचा ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक के करम से न्यू एंट्री हो गई है। और मैं नाम का आप लोगों से कह रहा था कि एक नाम मैंने भी सोचा है, मैं जो हूँ ना वो बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले आप लोगों के सजेशंस देखूँगा। तो आप लोगों ने कोई इसके लिए अच्छा सा नाम गैस करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आया ये बछड़ा फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, या ये पलाई पर आया है, या ये जो है इसका क्या सीन है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अल्लाह पाक के करम से पहले जब मैं कोई बड़ा जानवर ख़रीदता था ना, तो उस वक्त मैं काफ़ी एक डरता था, ख़ास करके अगर किसी बड़े फार्म से, अच्छे फार्म से पला पलाया एक जानवर आ रहा है ना, तो पहले मुझे एक बड़ा एक डर लगता था कि यार ऐसा ना हो कि जो है ना वो अच्छा जानवर आ जाए मेरे पास, और मेरे पास आने के बाद मैं उसको संभाल ना सकूं, और मैं उसकी उस तरह से केयर ना कर सकूं जैसे होती है, और तो वो जानवर बैक ना चला जाए। लेकिन अल्लाह पाक के करम से जब ज़रार से मेरे पास 7-8 जानवर आए, और अल्लाह पाक के करम से आज जब मैं उनकी प्रोग्रेस देखता हूँ, हार्डली शायद 2-2.5 महीने हुए हैं उन जानवरों को, तो अल्लाह पाक के करम से उनकी जो एक प्रोग्रेस आ रही है मेरे पास, तो उसके बाद इतना मेरा हौसला खुला है। जो आप लोग को याद होगा, शुरू में एक बड़ा बछड़ा मेरे पास आया था स्टार्ट में, उसका ना मैंने नाम फ़खरे AQ रखा था, और उस बछड़े को फिर मैंने दूसरे फार्म पर सेल कर दिया था। तो उसकी भी एक, आप लोग भी काफ़ी नाराज़ हुए थे, और मेरा भी इरादा उसको नहीं था बाहर कहीं फार्म पे सेल करने का, लेकिन मैं इसलिए उस वक्त ज़रा सा एक डरा था कि मुझे ये हो रहा था कि यार इतना बड़ा बछड़ा है, ऐसा ना हो कि मैं पाल ना सकूं उसको, उस एतबार से उसकी केयर ना कर सकूं। तो पहला साल है ना अभी, आपको पता है 4-5 महीने हुए हैं, उस वक्त तो 2-3 महीने गालिबा हुए थे, तो एक वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अब अल्लाह पाक के करम से जब बड़े से बड़ा जानवर भी अल्लाह पाक के करम से मेरे पास अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, तो फिर अल्लाह पाक के करम से हौसला खुला है। इसलिए मैं हर बंदे को ये चीज़ इसके लिए मोटिवेट करता हूँ कि आप जो है ना वो अच्छी चीज़ ख़रीदें, अच्छी चीज़ का शौक़ करें, ताकि आपका शौक़ भी जो है ना वो
वर्थ इट हो, आपके जो पैसे लग रहे हैं पलाई के ऊपर उन पैसों का भी जो है ना वो एक फ़ायदा हो आपको ना, ये ना हो कि जो है ना वो आप मिसाल के तौर पे 3-4 लाख रुपए आपके पलाई के नॉर्मल से जानवर पे लग रहे हैं और वही पैसे आपके अच्छे नस्ली खूबसूरत जानवर पे लग रहे हैं, तो वो सारे फ़र्क जो है ना आप लोग को पता है। खैर बहरहाल बहुत सारी बोरिंग बातें हो गई, अब आप लोगों ने सजेशन देना है इस बछड़े के मुतालिक और देखते हैं कल की वीडियो में मैं नाम भी इंशाल्लाह इसका अल्लाह ने चाहा तो अनाउंस कर दूंगा और इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी अनाउंस कर दूंगा कि ये किस पर्पज़ में है बछड़ा, आया फॉर सेल है, आया पलाई पर है, आया क्या सीन है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बता देंगे। अच्छा जी, आज जो है वो थोड़ा सा खाते का मैं कह रहा हूँ कि जो है ना एक टूर करते हैं और एक क्योंकि बाहर निकाल के वो चीज़ें मैं नोट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि हसन मलिक ने कमेंट भी किया था कि यार मुझे मिलो थोड़ी रैंडम वीडियो बनाए, थोड़ा सा वो रैंडम वाली फ़ील आया था कि ना, तो मैं बोला चलो आज से थोड़ा सा रैंडमाइज़ करते हैं अपने कंटेंट को। मिस्टर चीता खड़े हैं हमारे पास, उसके बाद आ गए हैं पीछे मिस्टर कमांडो और ये आ गए पेंगुइन। माशाल्लाह माशाल्लाह, कमांडो साहब की भी कमर की गोलाइयाँ बेहतरीन होती जा रही हैं माशाल्लाह। अभी आ गए अपने मिस्टर पेंगुइन, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हमने प्यारू साहब को शिफ्ट कर दिया है माशाल्लाह। प्यारू थोड़ा सा इधर आओ, हाँ ज़रा गोलाइयाँ चेक करो अपनी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए भाई थोड़ा सा दिखा दो इधर, माशाल्लाह इंशाल्लाह इनको भी बाहर निकाल के प्रॉपर दिखाएंगे। और कुछ बछड़े हैं उनका मैं सोच भी रहा हूँ थोड़ा सा, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 3, किसी को 4 महीने हो गए, थोड़ा सा उनका बिफ़ोर आफ्टर की भी एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप लोग कहते रहते हैं यार हमें पुरानी वीडियो याद नहीं है, कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उनको याद नहीं है, तो सोच रहा हूँ कुछ जानवरों पे बिफ़ोर आफ्टर भी करूँगा। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं बछड़ियों की तरफ और बड़ी बछड़ियों की तरफ माशाल्लाह। क्वींस ऑफ हार्ट्स से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बच से बचाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब इनमें सबसे छोटी हैं ये वाली ब्लैक एंड वाइट अबलक, अब इसके बाद इससे बड़ी आ गई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। सीना भी अच्छा निकाल रही है और कमर भी अच्छी, कमर ज़्यादा अच्छी बना रही है सीने के मुकाबले में माशाल्लाह। रोशनी कम है असल में खाते में, मैं इसी वजह से जो है ना बाहर निकलवाता हूँ जानवर को वीडियो बनाने के लिए, कि प्रॉपर जो एक लुक है ना जानवर का वो बाहर ही समझ में आता है। ये आ गई मिस कैंगरू माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, क्या बात है जी, हाय 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 हाय, ओए होए होए माशाल्लाह। वड्डी गाबी आ है और एक और वड्डी गाबी मिस हनी माशाल्लाह, पीछे जाना पड़ रहा है इनको पूरा फ्रेम में लाने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई हनी कैसी है, वंडा वगैरह खा लिया आपने, वंडा ज़रा चेक करो। हाँ भाई कैंगरू ने भी खा लिया है, हनी ने भी खा लिया है, पोलका का थोड़ा सा बचा हुआ है मिस पोलका का माशाल्लाह। ओए होए होए पोलका क्या कर रही हो, मिस पोलका जुगाली कर रही हैं, पेट वेट मेरे ख्याल है भर गया इनका, वो भी जुगाली कर रही हैं, वो भी जुगाली कर रही हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। पोलका मिस हनी कैंगरू और क्वीन ऑफ हार्ट्स। अच्छा अब जो है ना ये एक आप लोगों से आज क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, कमर ज़रा देखो थोड़ी सी आगे हो जाओ, इसका नाम गैस करना है जो अपने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं पुराने फैंस हैं, शक्ल नहीं दिखाऊंगा बछड़ी की,
इसका ज़रा तुक्का लगाओ। असल में कुछ बछड़ियाँ मैं बिल्कुल तैयारी के बाद चाहता हूँ कि मैं रिवील करूँ। अभी घी चल रहा है, सही है, तो चलो इतना भी दिखा देता हूँ। यार आसान है, अब तो आधी से ज़्यादा बछड़ी दिखा दी है, अब तो पहचान सकते हैं कौन सी बछड़ी है ये। तुक्का लगाओ शौकीनों, सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ज़रा प्यार मोहब्बत चल रही थी, तो अल्लाह आपका भला करे, मैंने बोला तो एक क्लिप ले लेते हैं। परी और मलका हुसन दोनों में जो है ना बड़ा एक प्यार एक मोहब्बत चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। परी साहिबा उनको चाट रही थी, लेकिन जैसे ही हमने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करी है तो शर्मा के पीछे हट गई। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई क्या हो रहा है शर्मा टू? हाय 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 शेरनी, इनको भी इंशाल्लाह निकाल के दिखाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बार बार बस दिल चाहता है माशाल्लाह बोलते रहो। माशाल्लाह क्या लुक आ रहा है शेरनी और मलका हुसैन के चेहरों का। माशाल्लाह जी, हाँ जी